एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSBPRT से रिलेटेड एक पैडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक कॉमन पैडागोजी सीरीज है। तो जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पैडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आप सभी जानते हैं हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि आपका हर जगह है, बीएड एमएड एजुकेशन में नेट या DSSB, यानी कि ये ICT का कॉमन टॉपिक है और सभी का सिलेबस देखकर ही मैंने ये सब टॉपिक्स इंक्लूड किए थे। तो ICT के टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ICT फॉर टीचिंग और लर्निंग जो कि पहला पार्ट था, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और अब ICT का ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड सब टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब कंप्यूटर से रिलेटेड 16 सब टॉपिक्स मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे, ये 16 सब टॉपिक्स इस सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से 8 सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, यानी कि फर्स्ट से लेके 8 तक सब टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट, देखिए इंटरनेट का टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इंटरनेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट किस तरह से काम करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट के एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हैं, इंटरनेट कनेक्शन किस तरह से लिया जाता है, कौन कौन से कनेक्शन हो सकते हैं, इंटरनेट की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, तो इंटरनेट को बिल्कुल डिटेल में करवाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। उसके बाद इंटरनेट और इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस और सिमिलरिटीज क्या क्या होती है, और उसके बाद एक्स्ट्रानेट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप एजुकेशन क्लासेस को कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेट होता क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो दुनिया में लगभग 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, और इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत जो है दुनिया का दूसरा बड़ा देश है जो इंटरनेट का यूज करता है। अब ये जो वीडियो मैं डालूंगी तो ये भी आप तक कैसे पहुंच रही है, इंटरनेट के जरिए आप इसको देख पाएंगे। तो जब हम इंटरनेट को ऑन करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप जुड़ जाते हैं कि आप एक क्लिक करते ही कोई भी सॉन्ग, वीडियो, गाना, कुछ भी चीज आपके स्क्रीन पर आ जाती है। तो ये इंटरनेट होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट 2 शब्दों के मेल से बना है, कौन कौन से, इंटर और नेट। अब इंटर का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड और नेट का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि जो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। तो इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी कि इसमें बहुत सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, पीसीज, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सर्वर, राउटर वगैरह है, ये सारे के सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, यानी कि नेटवर्क का पूरा एक जाल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, यानी कि जो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है, यानी कि ये जितने भी सेवरल बिलियन डिवाइसेस आपस में वर्ल्ड के अंदर कनेक्टेड हैं, वो किसको फॉलो करते हैं, इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्कों का भी ये नेटवर्क है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क सारे क्या हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि इसमें बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम बात करेंगे भाई ये इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, यानी कि इसमें जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों उनको जोड़ना पड़ा। तो सारा खेल किसका है, डेटा का है, यानी कि डेटा को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी। अब ये जो मेरा वीडियो है ये भी आप कैसे देख पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, ये भी एक प्रकार का डेटा है।
किस प्रकार का डेटा है, ऑडियो विजुअल डेटा है, यानी कि ऑडियो और विजुअल डेटा को मिलाकर एक वीडियो फाइल तैयार किया गया। अब बात आती है कि भाई ये जो डेटा है ये तो मेरे डिवाइस में है, यानी कि मेरे पास होना चाहिए, लेकिन ये आपके डिवाइस तक कैसे पहुंचा? तो मेरे डिवाइस और आपके डिवाइस के बीच में कोई बिचौलिया है, ठीक है, यानी कि बिचौलिया है। इस बिचौलिए का नाम क्या है? सर्वर। कौन है ये? सर्वर, यानी कि सर्वर के थ्रू मेरे डिवाइस पर जो वीडियो थी वो आप तक पहुंची। सर्वर यानी कि इंटरनेट पर जो भी डाटा उपलब्ध होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर सर्वर पर होता है। अब आप कहेंगे कि ये सर्वर क्या होता है, तो सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। इस सर्वर का काम क्या होता है? डाटा को सहेज कर रखना और जिसकी जैसी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग डाटा को सेंड कर। अब जब ये वीडियो मैंने अपलोड किया, यानी कि ये जो मेरा वीडियो था ये जैसे ही मैंने इंटरनेट पर अपलोड किया तो ये किस पर जाकर सेव हुआ, यानी कि किसी एक सर्वर में जाकर ये डेटा सेव हो गया। अब जैसे ही आपने इस वीडियो के लिंक पर क्लिक किया तो उस सर्वर ने इस डेटा को आपके डिवाइस तक भेज दिया। तो जो सर्वर होता है वो क्या करता है? डेटा को सप्लाई करने का काम करता है। अब बात आती है कि भाई ये जो सर्वर है ये कहाँ पर होता है? ये सर्वर भी तो कहीं ना कहीं होता होगा। तो ये जो सर्वर होते हैं ये किसी ना किसी डेटा सेंटर्स में होते हैं। अब डेटा सेंटर का मतलब क्या है कि जहां पर बहुत सारा डेटा इकट्ठा रखा जाता है, जैसे बड़े बड़े गोदाम होते हैं उनमें बहुत सारा सामान होता है, इसीलिए डेटा को सहेज कर रखने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक डेटा सेंटर में क्या होता है, मान लीजिए ये किसी एक बड़ी कंपनी का डेटा सेंटर है, ये दूसरा डेटा सेंटर है, तीसरा डेटा सेंटर है, तो हर एक डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। इन डेटा सेंटर्स का काम क्या होता है? इन सर्वर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी रखना, यानी कि इन सर्वर्स के अंतर्गत इसके अंदर जो भी सर्वर्स हैं उनमें जो डाटा स्टोर है उसको सहेज कर रखना, उसको सेफ रखना। अब मान लीजिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर और यूट्यूब पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो यूट्यूब का भी जो डेटा है वो किसी ना एक डेटा सेंटर के सर्वर में होगा। तो यूट्यूब किसका है? गूगल का है। तो यूट्यूब का जो डेटा होगा वो गूगल के डेटा सेंटर के किसी ना किसी एक सर्वर में सेव हुआ होगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, इनके अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। अब बात आती है कि हर एक छोटी वेबसाइट डेटा सेंटर नहीं ले सकती, यानी कि हर एक का अपना डेटा सेंटर नहीं होता, तो वो क्या करती है, इन बड़ी कंपनियों के जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनमें किसी एक सर्वर को ले लेती है। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपने सर्वर किराए पे देती हैं, जैसे अमेजन ने बहुत सारे अपने सर्वर किराए पर दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कंपनीज के नाम मैंने आपको बताए हैं, अमेजन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि इनके अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, ये सारी अमेरिकन कंपनीज है, तो इनके जो डेटा सेंटर्स है वो कहाँ पर है? अमेरिका में है। अब जो इंटरनेट का जो जाल है वो पूरी की पूरी दुनिया में बिछाया गया है, यानी कि पूरी दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है, तो अमेरिका से दुनिया के दूसरे कोने तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है? तो एक तो सीधा सा रास्ता है कि भी सैटेलाइट के थ्रू जो है डाटा पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू जो डाटा ट्रांसमिट होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, क्योंकि वो पहले सैटेलाइट को जाता है उसके बाद ट्रांसमिट होता है, तो उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो इसका तोड़ क्या निकाला गया? फाइबर ऑप्टिक केबल्स। देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल का एक पूरा का पूरा जाल बिछाया गया। तो अब फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, हर एक फाइबर ऑप्टिक केबल में बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। एक जो स्ट्रिंग है यानी कि फाइबर का जो एक स्ट्रिंग होता है वो हमारे बाल से भी बहुत ज्यादा पतला होता है, तो इन स्ट्रिंग्स के थ्रू जो है डाटा लाइट के जरिए जाता है, और हम सभी जानते हैं कि यानी कि इनमें जो डाटा ट्रेवल कर रहा है वो लाइट के थ्रू कर रहा है और लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल होती है इन पर बहुत सारी यानी कि 3-4 ऊपर से कोटिंग होती है ताकि जो डाटा अंदर से जाएगा वो बहुत सेफ होता है, सिक्योर होता है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, इन सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए इंटरनेट से फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल बिछाया गया समुद्र के नीचे से। पूरे समुद्र के नीचे से ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई है ताकि पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सके। जैसे ही समुद्र खत्म होता है तो जब जमीन शुरू होती है तो वहां पर ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है ये अंडरग्राउंड हो जाती है और जमीन के नीचे से ही ये आपके गली मोहल्ले और शहर तक पहुंचती है।
अब आप कहेंगे कि भाई मेरे फोन में तो इस तरह का कोई फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं लगा है, तो मेरे डिवाइस तक जो इंटरनेट है वो कैसे पहुंच रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, ये आपके शहर के नियर बाय कोई जो टावर होता है उसके नीचे से कनेक्ट होती हैं, और ये जो टावर होता है इसके थ्रू सिग्नल आपके फोन मोबाइल जितने भी डिवाइसेस हैं वहां तक पहुंच रहा है। क्योंकि इसमें जो ये जो टावर होता है इसमें जो सिग्नल जाता है वो मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो रेडियो वेव से भी बहुत ज्यादा होती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नीचे से इन टावर से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से जो है इंटरनेट काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे कि हम इंटरनेट से जुड़ने के लिए अलग अलग तरह के कनेक्शंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम किस तरह से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो उसके बहुत सारे डिफरेंट कनेक्शंस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन की अगर हम बात करें तो आज की डेट में इसका प्रयोग कोई नहीं करता, यानी कि जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था ये इस कनेक्शन लिया जाता था। तो ये जो कनेक्शन है ये टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड है, इसकी स्पीड यानी कि इंटरनेट की स्पीड जो इसमें होती है वो बहुत स्लो होती है। तो डायल अप कनेक्शन क्या होता है? डायल अप कनेक्शन जो है टेम्परेरी कनेक्शन होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर और आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्वर है उसके बीच में टेम्परेरी कनेक्शन सेटअप किया जाता है। इसके लिए मोडम का होना बहुत जरूरी है, यानी कि मोडम के थ्रू ही आपका जो डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएगा, यानी कि मोडम एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। अब मोडम का काम क्या होता है, यानी कि ये जो आपके डिवाइस से जो डेटा जा रहा है यानी कि जो सिग्नल जाएगा वो क्या होता है? डिजिटल सिग्नल होता है। मोडम क्या करता है? इंटरनेट एनालॉग सिग्नल को समझता है। तो मोडम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मोडम का होना बहुत जरूरी है। अब ये जो डायल अप कनेक्शन है इसका सेटअप कैसे किया जाता है, यानी कि इसको कैसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इसको किस तरह से सेट किया जाता है? तो सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है उसको प्लग इन करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे यानी कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो भी फोन नंबर आईडी जो पासवर्ड वगैरह होगा वो एंटर करेंगे। अब आप ऑनलाइन जाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि आपके जो डिवाइस है आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो डायल अप सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। उसमें जो एक कनेक्ट का ऑप्शन आएगा उस सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें जब आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो मोडम है वो आपके आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नंबर डायल करेगा और कुछ सेकंड्स के बाद आप कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि हल्की सी साउंड सुनाई देगी और आपका कनेक्शन जो है सेट हो जाएगा। तो डायल अप कनेक्शन जो है एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। तो जब स्टार्टिंग में इंटरनेट का हम यूज करने लगे थे तो उस टाइम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कोई नहीं करता। इसके बाद है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन की हम बात करें तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत ज्यादा आज की डेट में यूज किया जाता है या वायरलेस कनेक्शन का हम यूज करते हैं। तो ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है ये एक तरह से हाईवे का काम करता है इंटरनेट में, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सुपर फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, लोट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेकेंड्स के हिसाब से वो डेटा को सेंड कर सकता है। तो ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करें तो उसके थ्रू आप वीडियोस, ऑनलाइन गेम, कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सुपर फास्ट होती है इंटरनेट की स्पीड। क्या क्या आ जाते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन में? एक तो हमने जो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस की बात की, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उनके थ्रू या DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होती है उनके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वायरलेस कनेक्शन। तो ये आज की डेट में ज्यादातर हम इंटरनेट यूज करते हैं वो वायरलेस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक वाईफाई का यूज हम करते हैं या वाईमैक्स के थ्रू, ये दोनों ही वायरलेस कनेक्शन है। अब वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि जो वाईफाई की रेंज होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, छोटा सा जो एरिया होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि थोड़े से एरिया को ये कवर कर सकता है, बहुत दूर तक इसकी रेंज नहीं, इसमें रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल ट्रेवल करता है। और दूसरा होता है वाईमैक्स। अब वाईमैक्स की जो स्पीड होती है वो वाईफाई से थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है टावर, एक टावर होता है, टावर के थ्रू जो आसपास का एरिया होता है वहां पर सिग्नल पहुंचता है। अब ये जो टावर होता है ये 22 लेकर 50 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है, ठीक है।
अब इसकी जो स्पीड होती है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है वाईफाई के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो रेडियो वेव्स से थोड़ी सी ज्यादा हो। तो अभी हमने देखा कि इंटरनेट से जुड़ने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। अब हम बात करेंगे हु गवर्न्स द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का मालिक कौन है। अब ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरा का पूरा नेटवर्क्स का जाल बिछा हुआ है, इसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ना कोई व्यक्ति तो देखता होगा। तो इंटरनेट का मालिक कौन है इसके बारे में हम बात करें तो भाई ये एक ग्लोबल नेटवर्क है। कोई एक सिंगल सेंट्रलाइज गवर्नमेंट या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति इसका मालिक नहीं है, यानी कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स और प्रोटोकॉल्स जो है इसको रेगुलेट करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए इंटरनेट को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको देख रेख करते हैं। तो कुछ कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मैं बता रही हूँ, सभी के बारे में हम बात नहीं करें। जैसे आईकैन की अगर हम बात करें, आईकैन का मतलब क्या होता है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर्स, ठीक है। तो ये जो आईकैन है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जितने भी डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, आईकैन। इसके बाद है आरआईआर। RIR का मतलब क्या है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। ये क्या करती है, इन मतलब जो स्पेसिफिक रीजंस है उसमें जो आईपी एड्रेस होते हैं उनको अलॉट करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसके बाद W3C, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। W3 का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, C का मतलब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड WWW का वेब स्टैंडर्ड क्या होगा उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, W3C। नेशनल गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो यानी कि अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट्स है उनके देशों में इंटरनेट को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा वो काम कौन करता है, नेशनल गवर्नमेंट्स का होता है। ISP क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज होती है, वो क्या करती है, इंटरनेट को आप किस तरह से एक्सेस करेंगे, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी कि IGF क्या करता है, इंटरनेट गवर्नेंस इश्यूज को डिस्कस करने का काम, यानी कि कोई किसी इंटरनेट से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो उनको डिस्कस करने का काम कौन करता है, IGF। साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, इंटरनेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को फोकस करते हैं, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखते हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है, बहुत सारे यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको रेगुलेट करते हैं, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, इसकी जो भी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वगैरह का सबका ध्यान डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल गवर्नमेंट्स मिलकर करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ इंटरनेट। देखिए लेयर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेट की मुख्य रूप से कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, पहली जो लेयर है वो है सरफेस, दूसरी है डीप वेब और तीसरी है डार्क। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस वेब के बारे में, यानी कि वो लेयर जो कि विजिबल होती है। यहाँ पर आप देख पा रहेंगे यानी कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सरफेस वेब, ये सिर्फ 4% होते हैं। बाकी डीप वेब और डार्क वेब को मिलाकर अगर हम बात करें तो जो इंटरनेट है ये 96% इंटरनेट होता है जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, सरफेस वेब, जो कि सिर्फ 4% है, ठीक है। तो सरफेस वेब क्या होती है, यानी कि इंटरनेट का वो पार्ट जो आप नॉर्मल सर्च इंजन गूगल वगैरह के द्वारा, बिंग के द्वारा, यानी कि जो नॉर्मल सर्च इंजन होते हैं उनके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वेबसाइट, वेब पेज, कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट वगैरह होते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, वो पब्लिक के लिए होता है। दूसरी जो लेयर है वो क्या है, डीप वेब। तो डीप वेब की अगर हम बात करें तो इसमें जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मल सर्च इंजन होते हैं उसमें इंडेक्स नहीं होता, उसके थ्रू आप उसको सर्च नहीं कर सकते। वो हिडन और सीक्रेट नहीं होता, बल्कि उसमें ऐसा कंटेंट होता है जिसके लिए आपको मतलब उसको एक्सेस करने के लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि पासवर्ड और सब्सक्रिप्शन वगैरह का यूज करके ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है डार्क वेब। तो देखिए डार्क वेब सबसे नीचे वाला एरिया होता है इंटरनेट का, हिडन पार्ट होता है जो कि नॉर्मल सर्च इंजन के थ्रू आप किसी भी तरह से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर टोर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टोर के द्वारा ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि वो एक गुप्त रास्ता हम कह सकते हैं। उसमें जो मटेरियल होता है
बहुत ही हिडन होता है, किसी भी तरह से नॉर्मल सर्च इंजन, नॉर्मल जो मतलब हम लोग होते हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसको टोर कहते हैं। यहाँ पर अब क्या होता है, लीगल और इलीगल दोनों तरह का कॉन्टेंट होता है। तो ज्यादातर जो डार्क नेट है, डार्क वेब है, उसका प्रयोग इलीगल एक्टिविटीज जितनी भी होती है उनमें जो है डार्क वेब का ही प्रयोग किया जाता है। वो सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज यानी कि तस्करी हो गया, ह्यूमन बॉडी के जो अंगों को बेचना खरीदना है या हथियारों का खरीदना बेचना जो होता है, जितनी भी इलीगल काम होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, डार्क वेब के। तो इंटरनेट के बारे में हम बात करें तो इंटरनेट का जो सिर्फ ऊपर वाला 4% पोर्शन होता है यानी कि जो सरफेस वेब होती है उसी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जबकि इंटरनेट बहुत ब्रॉड होता है, 96% इंटरनेट को हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो देखिए हर फील्ड में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ कॉमन एप्लीकेशन एरियाज बताए हैं, जैसे कम्युनिकेशन यानी कि ईमेल भेजने के लिए, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, ऑडियो वीडियो कॉल करने के लिए कम्युनिकेशन में आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वेब ब्राउजर, सर्च इंजन और ऑनलाइन लाइब्रेरीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग यानी कि बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल नेटवर्क हैं, तो किसी पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं इन सोशल नेटवर्क्स के थ्रू। इंटरटेनमेंट के लिए यानी कि आपको कोई स्ट्रीम वगैरह करनी है, ऑनलाइन गेम खेलना है या कुछ कॉन्टेंट शेयर करना है तो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के लिए भी हम कोई भी वीडियो वगैरह, मूवी वगैरह देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, मार्केट प्लेस वगैरह के लिए भी यानी कि ई कॉमर्स में भी इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन और ई लर्निंग यानी कि आज की डेट में तो ज्यादातर क्या हो रहा है कि भाई ई लर्निंग की हम बात करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, सब में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। वर्क एंड बिजनेस, रिमोट वर्क हो गया या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आपको करनी है तो कोई भी किसी भी तरह का काम होता है, रिमोट एरियाज में आपको किसी से कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी इंटरनेट की होना, इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर यानी कि टेलीमेडिसिन और हेल्थ इंफॉर्मेशन में भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मेडिकल लाइन में भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, हर जगह हर फील्ड में इंटरनेट की आवश्यकता है। तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के बारे में पढ़ा है, इंटरनेट होता क्या है, कैसे काम करता है, इंटरनेट कनेक्शन आप किस तरह से ले सकते हैं, इंटरनेट की लेयर्स कितनी होती है और इंटरनेट के एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रानेट की। तो ये इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी कैंपस है या कोई एक कंपनी है तो उस कंपनी का अपना प्राइवेट नेटवर्क है। तो उसमें फायदा क्या होता है कि भाई ये कोई कंपनी है, मान लीजिए इस कंपनी के जितने भी लोग होंगे वो ही सिर्फ इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर की कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहर की जो पब्लिक है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो अब इसमें फायदा क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी फाइल्स वगैरह शेयर की जाती है तो वो सेफ और सिक्योर रहती है क्योंकि आम पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इंट्रानेट में भी क्या होता है भाई, हर कंप्यूटर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई ये इंटरनेट और इंट्रानेट इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें यानी कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, तो दोनों को मतलब किसकी आवश्यकता पड़ती है, आईपी एड्रेस की, यानी कि चाहे इंट्रानेट का प्रयोग करें या इंटरनेट का, दोनों के लिए आईपी एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। अब दोनों क्या है, इंस्टेंट मैसेंजर सर्विस लाइक गूगल टॉक या याहू, मतलब क्या है, इंस्टेंट मैसेंजर सर्विस है। इसके बाद इंटरनेट और इंट्रानेट को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर वेब ब्राउजर होना बहुत जरूरी है, विदाउट वेब ब्राउजर के ना ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं ना ही इंट्रानेट को। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हमने देखी इंटरनेट और इंट्रानेट में। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या क्या होता है इंटरनेट और इंट्रानेट में। तो इंटरनेट क्या है, जर्नल टू पर्सनल कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। जबकि इंट्रानेट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरनेट क्या करता है, बेटर और वाइडर एक्सेस टू वेबसाइट्स टू अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि पब्लिक
आम पब्लिक कोई भी इसको एक्सेस कर सकती है, लेकिन इंट्रानेट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। मान लीजिए भाई ये कोई कंपनी है तो इसका इंट्रानेट है, इसका अपना नेटवर्क है, तो सिर्फ उस कंपनी के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट सेफ नहीं है जितना इंट्रानेट है। क्यों? क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए है, यहाँ पर हैकर्स भी हो सकते हैं, चोर डाकू वगैरह भी होते हैं जो किसी की भी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, लेकिन इंट्रानेट क्या होता है, सेफ होता है, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते। तो ये अभी हमने देखा इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं। अब एक और टर्म एक्स्ट्रानेट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये भी क्या होता है, इंट्रानेट की तरह ही होता है। अब इंट्रानेट में क्या होता है, यानी कि इंट्रानेट क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी कि जिस भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो नेटवर्क है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी कैंपस है या कोई कंपनी है, तो सिर्फ उस कंपनी के लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, यानी कि ये जो इंट्रानेट है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे ताकि रिसोर्सेज वगैरह को शेयर किया जा सके, जैसे बिजनेस पार्टनर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, इन कुछ लोगों को, ताकि बिजनेस वगैरह प्रॉपर तरीके से किया जा सके। तो जब बाहर के लोगों को शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो एक्स्ट्रानेट कहलाता है। एक्स्ट्रानेट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सेस। एक्स्ट्रानेट लिमिटेड एक्सेस फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कि इंट्रानेट, यानी कि ये कोई कंपनी है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ बाहर के लोगों को भी जो शामिल किया है, तो उनके लिए सिर्फ कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, सिर्फ लिमिटेड एक्सेस वो कर सकते हैं। इसके बाद है प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, यानी कि इसमें इंक्रिप्शन और ऑथेंटिक मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, जो सेंसिटिव डाटा वगैरह होता है उसको स्टोर करने के लिए। कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करता है, यानी कि टीम वर्क, रिसोर्स शेयरिंग वगैरह को फैसिलिटेट करता है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, यानी कि बाहर के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है तो आप कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। सप्लाई चेन को मैनेज करता है, यानी कि सप्लायर्स एक्सेसिंग इन्वेंटरी डाटा, जो बाहर के लोग इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे सप्लायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सिर्फ इन्वेंटरी डाटा को ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी प्लान वगैरह क्या रहेगा, कितना स्टॉक वगैरह है, जो उनसे रिलेटेड डाटा है सिर्फ उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो रियल टाइम अपडेट रहता है और डॉक्यूमेंट शेयर वगैरह आप इफेक्टिवली कर सकते हैं। इसके बाद है कस्टमर पोर्टल्स। तो देखिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर पोर्टल्स ऑफर करती हैं, यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं उस कंपनी के, मान लीजिए ये कोई कंपनी है तो इसके जो कस्टमर हैं वो अपने अकाउंट वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, अकाउंट हिस्ट्री, पेमेंट वगैरह को वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि जो कुछ बैंक होते हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल होते हैं जिनके, तो ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल क्या है, एक एक्स्ट्रानेट है उसके कस्टमर्स के लिए, यानी कि किसी भी कोई बैंक है इसका जब ऑनलाइन पोर्टल होता है तो उस बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं तो उसका कुछ मतलब पोर्शन जो उन कस्टमर से रिलेटेड होता है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अपने अकाउंट हिस्ट्री, पेमेंट वगैरह का काम वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में पढ़ा। इंटरनेट को मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को करवा सकूं। तो देखिए वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं कॉमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। कॉमेंट आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगली वीडियो में इसी का, यानी कि आईसीटी का जो पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसी का एक और सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।